नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा है हरियाणा में गठबंधन को लेकर हो रही बयानबाजी से जुड़ा, क्योंकि हरियाणा में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे वैसे वैसे वार पलटवार भी तेज हो रहा है। नेता जनता के बीच जा रहे हैं, बीजेपी जेजेपी गठबंधन, गठबंधन के चुनाव तक रहने ना रहने, नए गठबंधन बनने, और इतना ही नहीं 2019 में जेजेपी कांग्रेस का गठबंधन ना होने की वजह को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में अब तक की बयानबाजी और भविष्य की संभावनाओं और अटकलों को लेकर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट आप देख लीजिए। चौबीस के चुनाव से पहले हरियाणा में सियासत तेज हो गई है। सरकार योजनाओं को तेजी से लागू करने में जुटी है तो विपक्षी दल भी अपने अपने मुद्दों को भुनाने में जुटे हैं। लेकिन अलग अलग मुद्दों पर हो रही वार पलटवार के बीच इन दिनों गठबंधन का मुद्दा सियासी गलियारों में छाया है। वर्तमान गठबंधन को लेकर अलग अलग तरह की बयानबाजी है तो एक नई चर्चा जेजेपी और कांग्रेस के गठबंधन न होने को लेकर शुरू हो गई। ये चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने नेता विपक्ष हुड्डा पर वार करते हुए हुड्डा को 2019 में कांग्रेस से गठबंधन न हो पाने की वजह करार दिया। भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा इस बात का जवाब दें, भूपेंद्र हुड्डा इस बात का जवाब दें कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, ये खुला ऑफर जो दोनों पार्टियों को दिया था, सारी कांग्रेस तैयार थी समझौता करने के लिए, सारी कांग्रेस, अगर अकेला आदमी इसके विरोध में कोई था तो वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा था। अगर ना हो अब कांग्रेस पर वार था तो पलटवार आना ही था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी पर प्रहार किया। कांग्रेस से गठबंधन होने की उस वक्त की संभावनाओं, जनता के खिलाफ जाकर बीजेपी से गठबंधन करने की जेजेपी की सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी बयान की, दिग्विजय के आरोपों को झूठा करार दिया। दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि भाई जो पेंशन देगा जमुना पार को तो भूल गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहा कि जो पेंशन देगा 5,000 75% रिजर्वेशन देगा उसको हम समर्थन देंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 5:31 विधायक हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में हमने बैठ के कि बीजेपी को हराया है लोगों ने, आप बीजेपी के साथ मत जाओ, हम आपकी ये दोनों बातें भी मानेंगे और भी मानेंगे, पूरा मान सम्मान भी देंगे, कोई और बात रह गई हो वो भी पूरी करेंगे। ये फिर उचाना गए और उचाना में लोगों से पूछा क्या करना चाहिए, लोगों ने उचाना में कहा, टीवी पे आपने देखा होगा, लोगों ने उचाना में कहा कुछ भी करना बीजेपी को समर्थन नहीं देना। ये कहा था कि नहीं कहा था उचाना में? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं कुछ दिनों से, तो भी उचाना में लोगों ने कहा कुछ भी करना बीजेपी को समर्थन मत देना। उचाना से गाड़ी चली जींद रोहतक बहादुरगढ़ तक, गाड़ी ठीक रास्ते पे थी, दिल्ली में बढ़ते ही नांगलोई पीरागड्डी पंजाबी बाग टेढ़ी मेढ़ी दिल्ली की सड़कों पे हिलस्ती थिलस्ती, अमित भाई शाह केंद्रीय गृह मंत्री के बांडे के आगे गाड़ी का धड़ाका उठा के नहीं उठा, वहीं सीधी गाड़ी पहुंच गई और जाके समर्थन डिक्लेयर कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हम तो इंतजार कर रहे थे कि आएंगे, बीजेपी के खिलाफ मतदान किया लोगों ने, बीजेपी के 75 पार की हवा निकाली है, सारे मंत्रियों को हरा दिया, लोग बदलना चाहते हैं, मगर वहां चले गए। एक तरफ कांग्रेस और जेजेपी में नई जुबानी जंग छिड़ी है, इधर बीजेपी जेजेपी गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आता। पहले बीरेंद्र सिंह गठबंधन न रखने का सुझाव पार्टी को दे चुके हैं। हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह साफ कह चुकी है गठबंधन रही ना रही उचाना से बीरेंद्र सिंह परिवार का सदस्य चुनाव जरूर लड़ेगा। तो जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला बीरेंद्र सिंह परिवार को मर्यादा में रहने की नसीहत भी दे चुके हैं। इस बीच उचाना से पूर्व विधायक और बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ने दिग्विजय चौटाला की समझ और क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल खड़े कर दिए। बात है, मैं तो कल किसी से पूछ रही थी, भाई ये कितना पढ़ा लिखा है जी। तो कहने की तो 12वीं है सिर्फ, मानना ना 12वीं नहीं होगा, मैं ये तो बात तो बहुत बड़ी करता है। कहते जी, जब इसने पर्चा भरा था ना जींद में इलेक्शन के लिए, उसमें लिखना पड़ता है आप कितने पढ़े हुए हो, तो है तो ये सिर्फ प्लस टू ही, और बाप इस तरह मतलब चैलेंज करता है वो अपने बाप के बराबर की उम्र के आदमी से, तो ये तो उसका बचपना है, मैं ये कहूँगा। बल्कि दुष्यंत इस तरह की भाषा नहीं बोलता, ये मैंने देखा है। आज उसने बेशक ये कहा है कि अगर
वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि 100 काम अगर हुए उचाणा में तो 95 मेरी धर्मपत्नी ने कराए हैं, तो उसे क्या कह रखा है कि अगर उसने 100 कराए तो मैं 295 बता काम गिना सकता हूँ, ये तो जनता बताएगी कि किसने कितने काम कराए हैं। एक तरफ बीजेपी जेजेपी के गठबंधन और कांग्रेस जेजेपी की 2019 में गठबंधन ना होने को लेकर सियासत शिखर पर है, तो इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस से सशर्त गठबंधन करने की बात कह डाली। जो कोई हमारे पास चल करके आएगा, जो बात आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, कांग्रेस की, कांग्रेस अगर हमारे पास चल करके आएगी और अगर उसमें प्रदेश के हित की कोई बात करेगी, अपने स्वार्थ की बात करेगी, तो कोई गठबंधन नहीं हो सकता। अगर प्रदेश के हित की कोई बात होगी तो जरूर उस पर विचार करेंगे। बहरहाल हरियाणा की सियासत इन दिनों गठबंधन कायम रहने, गठबंधन टूटने, नए गठबंधन होने से जुड़े बयानों और अटकलों पर केंद्रित है। इतना जरूर साफ है कि हरियाणा में 2024 के चुनाव बेहद रोचक होने वाले हैं। लिहाजा देखना यह है कि 2024 में क्या नए समीकरण बनते हैं, गठबंधन को लेकर तस्वीर क्या रहती है, नए समीकरण किस तरह से वोटर्स पर असर डालते हैं। न्यूज डेस्क हरियाणा न्यूज। कितना पढ़ा लिखा है, तो सवाल आपको बता दें कि आज का सवाल क्या है, गठबंधन को लेकर क्यों तेज हो गई है बयानबाजी, इस वक्त जो बयानबाजी लगातार हो रही है उसके मायने क्या है, ये हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। क्या जेजेपी को अब जाकर कांग्रेस से 2019 में गठबंधन ना होने का मलाल हो रहा है, और क्या इनेलो से गठबंधन को कांग्रेस तैयार होगी, चूंकि सशर्त गठबंधन करने की बात कर रहे हैं अब है कि अगर कांग्रेस हमारे पास आई तो हम गठबंधन कर लेंगे, क्या बीजेपी जेजेपी गठबंधन में सब कुछ ठीक है, चूंकि नेताओं की बयानबाजी से कम ये नहीं लगता कि, इसे लेकर भी बात करेंगे। और बड़ा सवाल ये कि 2024 में चुनाव के वक्त गठबंधन को लेकर हरियाणा में क्या स्थिति और क्या तस्वीर रहने वाली है, तो गठबंधन को लेकर बयानबाजी क्यों हो रही, इसके मायने क्या हैं, और तमाम तरह की जो बातें, जो स्थिति बयानबाजी है उसे हम जानने समझने का प्रयास करेंगे आज चर्चा में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की ओर से प्रवक्ता हैं भूपेंद्र सिंह गहलोत जी, कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ढुल जी हमारे साथ हैं जेजेपी का पक्ष रखने के लिए, अजय गुलिया जी हमारे साथ चर्चा में हैं, और रेनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू, साथ ही राजेंद्र जाधवन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से कर लेंगे गहलोत जी, जो जिस भी तरह की बयानबाजी हो रही है आपकी पार्टी में भी कुछ नेता वीरेंद्र सिंह परिवार की बात कर रहे हैं, जेजेपी को नसीहत देते हैं, कभी आप लोगों को नसीहत देते हैं कि गठबंधन तोड़ डालिए, कैसे देख रहे हैं इस बयानबाजी को? भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से अलग पार्टी है, भारतीय सभी पार्टियों में परिवारवाद हावी है और वो एक 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 दो दो आदमी की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है, सिर्फ हरियाणा में ही 5 लाख पन्ना प्रमुख है, यहाँ आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में ऐसा संगठन हमने पहले कभी नहीं देखा, और माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं जो है उनसे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह आदरणीय है, सीनियर भी है, लेकिन हमारी एक आदमी की पार्टी नहीं है, उन्होंने वो बातें किस हैसियत से कही, कैसे कही, क्या सर्कमस्टांसेस थे मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी पार्टी को एक आदमी पार्टी निर्णय नहीं लेती, हमारे तो पन्ना प्रमुख से लेके सत्ते केंद्र और जो हमारी स्टेट की कार्यकारिणी, जिला की कार्यकारिणी, वो सब विचार विमर्श होकर के जो हमारी कमेटी बनती है वो उसमें डिसाइड करती है कि किससे हमने गठबंधन करना है, किससे नहीं करना। कोई एक आदमी हमारे किसी की ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कोई इस गठबंधन के बारे में या किसी बात के बारे में कोई बात कही, और ना उन बातों का कोई असर हमारी पार्टी पे होता है। ये तो देखिए तो पूरा संगठन हमारा, वीरेंद्र सिंह उनके बेटे बृजेंद्र सिंह जो कि सांसद भी हैं आपकी पार्टी के, प्रेमलता जो आपकी पार्टी की विधायक भी रही उचाना से, यानी कुल मिलाकर उनके उनके परिवार को ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं फिर? देखिए मैं ये नहीं कह रहा गंभीरता की बात और नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में एक सिस्टम है, हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति संगठन से ऊपर नहीं है, हमारी पार्टी में संगठन डिसाइड करता है
और नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल से ग्रामीण पन्ना प्रमुख से लेकर के सबसे चर्चा होने के बाद हमारी पार्टी के हित में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हमारे हरियाणा प्रदेश के हित में होगा, हरियाणा प्रदेश के हित में जो बात होगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। और मैं एक गठबंधन की एक और भी बात करता हूँ, आपको परसों का ही ध्यान है 14 पार्टी की गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में गया था। उन्होंने कहा कि भाई हमारे को छूट दी जाए, हम बेशक कितने करप्शन करें, कुछ करें, लेकिन हमारे को कोई ना पकड़े। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका रद्द कर दी। आज लोग संगठन गठबंधन की बात करते हैं, उनसे पूछो कि वो किस लिए गठबंधन चाहते हैं, उनका क्या प्रोग्राम है। वो सारे एक ही कहते हैं कि मोदी जी को हराओ, गठबंधन कर लो, बीजेपी को हराओ, गठबंधन कर लो। उनके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई उनकी हैसियत रही है, और उनका अस्तित्व भी खत्म होता जा रहा है। आप किसी पार्टी को भी ले लीजिए, और ये कांग्रेस पार्टी का तो सबसे बुरा हाल जो है वो होने वाला है। इनका ना तो कोई केंद्र में इनका कुछ है, ना इनका हरियाणा में कुछ है। आप देख रहे होंगे पिछले 9 साल से इनका संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक दूसरे का सिर फोड़ने को लोग ये तैयार हो रहे हैं और ड्रामे करते हैं। किसी भी लोगों की समस्या के लिए कभी इन्होंने कोई एजिटेशन नहीं किया। कभी तो ये जो इनके लिए जो करप्शन की बात आती है किसी की राष्ट्रीय स्तर क्या स्तर पर, तो ये लोग उसके लिए हाई हल्ला मचाते हैं। देखिए हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम करप्शन को किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, अभी ठीक है, गठबंधन को लेकर ही बात कर लें। डुल साहब आवाज मिल रही है आपको, बताइए जी। अब जो बयान दे रहे हैं दिग्विजय चौटाला कि हम तो 2019 में गठबंधन करने को तैयार थे, लेकिन जो हमारी मुख्य मांगी थी जनता से जुड़ी वो मानने को तैयार नहीं हुए भूपेंद्र हुड्डा, हालांकि दीपेंद्र हुड्डा कह चुके कि ऐसा कुछ नहीं था, हम तो मानने को तैयार थे। अब क्यों ये जुबानी जंग छिड़ गई है दोनों ही पार्टियों में, और अब जाकर इसके क्या मायने हैं 2023 में? देखिए ज्योति, जितना मैं समझ पाया हूँ अपने हिसाब से, आप जेजेपी की दिग्विजय चौटाला जी के बयान के बारे में बात कर रही है, तो मैं उस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जब 2019 के अंदर सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, जब इलेक्शन के बाद वो रिजल्ट आया, तो कांग्रेस के पास में जितने विधायक थे, अब जेजेपी के पास में जितने विधायक थे, एक समय था जिस टाइम पे बाकायदा मीडिया में आकर के अनाउंस किया गया था कांग्रेस के द्वारा कि यदि क्योंकि जेजेपी का जो जनादेश था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था और कांग्रेस का जनादेश तो था ही, तो ऐसे में जनता का जो विषय था, जनता की जो सोच थी वो थी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की। लेकिन जेजेपी ने किया उसकी जगह बिल्कुल उल्टा, जो जिस पार्टी के खिलाफ जनादेश लिया था, जिस पार्टी फैलाने के लिए बात करने के लिए जनादेश लिया था, उसके साथ में गठबंधन किया। तो हमारे द्वारा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो थी ना, जेजेपी चाहती है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो थी ना, रविंद्र जी देने के लिए तैयार है, जो सबसे बड़ी पार्टी का बयान है बाकायदा 40 विधायकों के साथ, ठीक है बहुमत नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी बनकर उभरी ना, सबसे अधिक विधायकों के साथ। आपकी आवाज नहीं सुनी, आपको आवाज नहीं मिल रही रविंद्र ढुल जी, ठीक है आप अपनी कम आवाज मिल रही है। मैं पीसीआर को कहूंगी कि रविंद्र ढुल जी को आवाज नहीं मिल रही है ना, कुछ किया जाए इसमें, अगर कोई टेक्निकल इश्यू है तो। जी आएंगे आपके पास। गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, गुलिया जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, और शुरुआत में हमने जो सवाल दिखाए कि आज का जो हमारा मुद्दा है उसमें सवाल ये भी रहेगा कि क्या अब जननायक जनता पार्टी को मलाल हो रहा है इस बात का कि हमने कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं किया या गठबंधन क्यों नहीं हो पाया, अब क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं दिग्विजय, बताइए। नहीं देखिए ज्योति जी, देखिए एक चीज समझिए, जो कांग्रेस के मेरे साथी ने एक बात कही 2019 की, ठीक 2009 का चुनाव किया आप देखिए, 2009 में जब चुनाव हुआ था तो 2005 के चुनाव में कांग्रेस को आप ये मान करके चले 67 सीटें मिली थी। ये और अलग बात है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, मुख्यमंत्री कौन बना। फिर जब 2009 में चुनाव हुआ दोबारा तो उनको 40 सीटें मिली थी, तो जनता ने तो उनको भी बाहर बैठने का मैंडेट किया था, और जो हरियाणा जनहित कांग्रेस उससे नाराज होकर के एक अलग पार्टी बनी थी, जो उनको गालियां देते थे कांग्रेस को, उन लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने सरकार चलाई। तो क्या वो हुड्डा साहब जिंदाबाद या कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा लेकर के छह विधायक? ठीक है आपकी आपकी इस बात में आपसे एक और सवाल बनता है, तो फिर उन्हीं हुड्डा साहब के साथ आप लोग क्यों जाने को तैयार थे? आप लोग भी तो हुड्डा साहब के जयकारे लगाकर मैदान में नहीं थे ना, आप लोग तो बीजेपी के जयकारे लगाकर भी मैदान में नहीं थे।
ज्योति जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, और क्या अब क्या मलाल हो रहे इस बात का कि गठबंधन नहीं हो पाया था और हुड्डा साहब की वजह से नहीं हो पाया था, अभी बयान क्यों? नहीं ज्योति जी, मैं बता दूं, हमने तो उस टाइम भी स्पष्ट किया था, आज नहीं, ये कोई बात नहीं। उस टाइम भी ये कहा था कि कांग्रेस के पास भी ये बात थी कि आपकी सरकार बनवा देंगे, हमारी ये बातें मान लो, हमने जो जनता से वादे किए ये वादे आप पूरे करने की बात करो, आपकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया, ये कोई आज की बात नहीं है। आप उस टाइम के भी, आप देखिए, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है ज्योति जी, सारे बयान सबके निकल जाएंगे। मैं भी अगर अपनी बात कह करके मुकरूंगा तो आप कल मेरी बाइक चला करके कहेंगे कि आपने तो उस दिन ये बयान दिया था, आज आप ये बयान दे रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देना आज के दिन किसी के लिए आसान बात नहीं है। अब उस समय भी हमने एक बात कही थी, बिल्कुल आप किसी भी प्रवक्ता के, किसी भी नेता के, दुष्यंत जी के, मेरे नेता के बयान आप निकलवा करके देखे, उन्होंने कहा कि हम ये वादे जनता से करके आए हैं, जनता ने 17.5% वोट हमें दिए, 10 सीटें हमें दी, ये वादे करें, जो पूरा करेगा हम उसकी सरकार बना देंगे, हम हरियाणा प्रदेश के हित से मतलब है। इन्होंने स्पष्ट रूप से मना करा और अमित शाह जी ने तुरंत कहा कि हमें हरियाणा जननायक जनता पार्टी की सारी बातें मंजूर हैं, इनको फैसले में, ये फैसले हम हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। नहीं, दीपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने 4 बजे ये कहा था कि जो हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, 5 मांगों का जिक्र कर रहे हैं आप लोग, और 5 बजे भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली में प्रेस वार्ता करते हैं अपने 31 विधायकों के साथ, ये दावा करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे और साथ ही दुष्यंत को भी ऑफर दिया जाता है। नहीं देखिए, मैं एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, इन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि ये चीजें हम हरियाणा प्रदेश के लिए पूरी नहीं कर सकते। नहीं पूरी कर सकते, जो जो चीज, जो वादे हम लोगों ने किए थे वो अगर कोई भारतीय जनता पार्टी पूरे करने की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी। यानी विचारधारा, सिद्धांत, आदर्शों की तो कोई बात थी ही नहीं, आप लोगों को सरकार बनानी थी, जो लोग, जो भी आप लोगों के साथ तैयार था, आप लोग जाने को आप लोग भी रेडी थे। नहीं, विचारधारा मैनिफेस्टो, और क्या क्या पहला ऑप्शन आप लोग कांग्रेस को मानकर चल रहे थे? कांग्रेस पहली चॉइस थी जेजेपी की? नहीं ज्योति सांगवान जी, पहला ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन मैनिफेस्टो था। अच्छा, जो हम लोगों से वादे करके आए थे, जननायक जनता पार्टी, जो दुष्यंत जी ने खड़े होकर के लोगों के बीच में वादे करे थे, ये कहा था कि मेरे को 10 सीटें और 18% वोट इन वादों के नाम पर मिली है और मेरे नाम पर मिली है, ये जो पूरे करेगा, ये मैन्युफैक्चर जो पूरे करेगा, उसकी सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। अगर इसको कोई ये कहता है कि ये विचारों की सरकार नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, तो ज्योति जी फिर मैं मानता हूँ कि सबकी राय अपनी अलग अलग है, लेकिन हमारी विचारधारा, हमारा मैन्युफैक्चर था, जो हम लोगों से वादे करके आए थे, उसी को लेकर के हमने सरकार बनाने का काम किया। चलिए, लोगों ने तो आप लोगों को भी मैंडेट दिया था विपक्ष में बैठने का, जब बात होती है कि 2009 में हुड्डा साहब को क्या मैंडेट मिला या बीजेपी को क्या मिला 2019 में, तो आप लोगों को विपक्ष में बैठने का था, ठीक है, बिल्कुल, गठबंधन होते हैं, पोस्टपोल अलायंस होता है, इसमें कोई दोराय नहीं। आएंगे आपके पास कुछ और सवालों के साथ कि मैनिफेस्टो में जो आप लोग दावा कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो ही आधार था गठबंधन का, तो 4 साल गुजर जाने के बाद मैनिफेस्टो पर क्या हुआ के अब तक? रेणू साहब, अभय चौटाला को ये क्यों लगता है कि कांग्रेस उनके पास चलकर आएगी गठबंधन करने, वो भी उनके शर्तों पर? ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आज ताऊ देवीलाल की 24वीं पुण्यतिथि है, सभी को उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपनी पूरी पार्टी की तरफ से और सभी हमारे शुभचिंतकों की तरफ से। ताऊ देवीलाल को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, अभय सिंह ने जब यात्रा शुरू की तो उस टाइम जो है ये था कि मैं अभय सिंह यात्रा नहीं कर पाएंगे, अभय सिंह चल नहीं पाएंगे, और मैं ये कहा करता था अभय सिंह की यात्रा चलेगी और पूरे हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक हलचलें शुरू हो जाएंगी। ये इस यात्रा का परिणाम है जो आज ये हलचलें शुरू हो गई हैं। कोई कह रहा है हम गठबंधन के लिए तैयार थे, हमारे से गठबंधन नहीं किया गया। कोई कह रहा है हम भी तैयार थे, वो हमारे पास आए नहीं। कोई कह रहा है हमारा मैनिफेस्टो नहीं माना गया इसलिए हम वहां चले गए। तो मैनिफेस्टो तो आज भी पूरा नहीं हुआ, जोगा तो अधर में लटका पड़ा है, लेकिन इन्हीं को चुना, ये बात सत्य है। रविंद्र ढोल जी ने कही, जो कांग्रेस को भी बीजेपी के खिलाफ मैंडेट मिला, जेजेपी को भी मैंडेट मिला बीजेपी के खिलाफ, और निर्दलीय को भी कुछ को मैंडेट मिला बीजेपी के खिलाफ। अगर ये तीनों इकट्ठे हो जाते तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को बदला जा सकता था, लेकिन जो कांड रहे जैसे रहे, इन्होंने उनका साथ न दे करके बीजेपी की सरकार को बनवाने का काम किया, जिसके लिए आज ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसे क्यों बयान आ रहे हैं कि हम तो कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार थे, हमारा मैनिफेस्टो नहीं माना गया। इससे ये स्पष्ट होता है ज्योति जी कि आज ये इस गठबंधन सरकार में तंग है और इनको ये महसूस हो चुका है
कि हमने जो वायदे किए थे हम वो पूरे नहीं कर पाए। इस वजह से एक डेढ़ साल आप ठीक कह रहे हो, ये भी एक पहलू है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन आप ये बताए ना कि अभय चौटाला को क्यों ये लग रहा है कि कांग्रेस आएगी ये कहने कि हाँ हमसे गठबंधन कर लीजिए, हाँ, और वो भी अभय चौटाला की शर्तों के साथ। हाँ मैं आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, हाँ मैं वही आ रहा हूँ ज्योति जी। तो इनको ये आभास होगा कि अब हम जनता को क्या बताएंगे कि हम ये दिग्विजय ने बातें ओपन कर दी कि मैं तो वहां भी करने के लिए तैयार था, यहाँ कर लिया और यहाँ भी हमारे वायदे पूरे नहीं हुए, इसलिए अब हमें दोबारा जनता के बीच में जाना पड़ेगा और अब इनको मैंडेट नहीं मिलने वाला है। अब अभय सिंह जी का आपका जो क्वेश्चन है अभय सिंह के बारे में, अभय सिंह जी ने पहले कहा, ओम प्रकाश चौटाला ने भी कहा और हमारे नफे सिंह राठी का भी बयान आपने चलाया खूब, उनका कहना एक है कि हम 2024 में बीजेपी सरकार से हरियाणा प्रदेश को मुक्त करना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि हरियाणा प्रदेश बीजेपी की मौजूदा सरकार से, गठबंधन सरकार से मुक्त हो और जो पहले यमुना पार नहीं गए हम उसको यमुना पार भेजने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि हर हालात में भेजने की कोशिश करेंगे हम। तो उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सर्वप्रथम अपने दम पर हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का प्रयास करेगी। सरकार जनता ने बनानी है, जनता ने आशीर्वाद देना है, जिसकी सरकार जनता चाहेगी उसकी बनेगी, लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जनता हमारी सरकार बनाए, इसलिए हम जनता के बीच परिवर्तन यात्रा लेकर के जा रहे हैं, जनता की आवाज को उठा रहे हैं। कांग्रेस तो आज लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी है, 30 विधायकों वाली पार्टी है, बड़े बड़े नेता है कांग्रेस के पास, कल क्या होता है पता नहीं। आपकी पार्टी में अभय चौटाला बड़े नेता के, ओपी चौटाला साहब भी बुजुर्ग और बड़े नेता के, लेकिन आज की स्थिति को देखकर तो कम से कम ये नहीं कह सकते, जब हम आज चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस को ऐसी कोई जरूरत पड़े कि एक विधायक वाली पार्टी के पास जाकर ये कहे कि हमसे गठबंधन कर लीजिए, अगर ऐसी स्थिति रहती है स्थिति 2024 में। 2014 में कांग्रेस के कितने विधायक थे ज्योति जी, और इनेलो के 2014 में कितने विधायक थे, ज्यादा इनेलो के थे, 15 विधायक कांग्रेस के थे, इनेलो के 19 थे, और 2009 में तो चलो इनकी सरकार बनी थी, लेकिन उस टाइम जो हमारे 19 विधायक होते थे, नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह जी चौटाला हुआ करते थे, तो ये कोई बात नहीं होती कि जो हमारी पार्टी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, ये लोग 15 से 17 हो गए थे मई 2016 में जब कुलदीप विष्णु और रेणुका विष्णु आ गए थे, इन लोगों के पास बहुत बड़ा अंतर नहीं था कांग्रेस और इनेलो में उस वक्त भी। आएंगे आपके पास जादून साहब, आप हैं फोन लाइन पर। हाँ जी ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं अब 2023 में क्यों इतनी बातें हो रही है गठबंधन को लेकर, और क्या जेजेपी अब ये कहकर कि हम कांग्रेस से गठबंधन को तैयार थे, क्या अपने कार्यकर्ताओं में जिनको लगता है कि बीजेपी के साथ जाकर गलत किया उनको मनाने की कवायद के अपने आप में, या लग रहा है कि कल को अगर जेजेपी के साथ नहीं भी रहे तो एक सफाई देने को ये बात रहेगी कि हम तो कांग्रेस के साथ भी तैयार थे गठबंधन को। देखिए अब जेजेपी जो के तरफ से जो इस तरह का जो बयान आ रहा है उससे लगता है कि वो कुछ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि कहीं ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी साथ रखने को तैयार ना हो तो कांग्रेस के साथ चले जाए। अब आज का दौर तो ऐसा है कि सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, वो वाला नारा चल रहा है, कुछ भी करने को तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को ले रही है, उन पर कोई भी आरोप है तो वो सारे आरोप मुक्त हुए जा रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस जो पूर्व पश्चिम का भी मेल हो रहा है, तो ये ऐसी स्थिति है, तो हरियाणा में भी कुछ भी हो सकता है। सब ये जगह बनाने के प्रयास है। इन्हें लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे पास कांग्रेस आएगी समर्थन लेने के लिए, वो ये जाहिर कर रहे हैं कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी, और वो भी जी और वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता खुला रहे, अगर भारतीय जनता पार्टी साथ मिल सकती तो कांग्रेस का साथ मिल जाए। तो ये इस तरह की अभी से तैयारी की जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है और जनता के मुद्दों का हवाला दिया जा रहा है। ये जनता के मुद्दे तो अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनका जो एजेंडा था पूरा नहीं हो पाया, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन नहीं दिला पाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने तरीके से सरकार चलाई है, उनका तो जितना जो कुछ वो कर पाए वो है स्थिति। अब एंटी इनकम्बेंसी भाजपा पर 10 साल की हो चुकी है, तो आने वाले चुनाव पे क्या परिणाम आएगा ये देखने की बात है। हो सकता है कि लोग जो है मुख्य विपक्षी दल पर ही भरोसा कर ले, तो देखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि परिवर्तन से हमें क्या हासिल हुआ, इस तरह की जो उम्मीदें बधाई गई, जो वायदे किए गए,
वो पूरी तरह से तो अमल में आए नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि सब प्री इलेक्शन जो है ना माहौल बनाने का प्रयास है जी। ढोल साहब, अगर आपको अब आवाज मिल रही है तो ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है भूपेंद्र हुड्डा पर कि जेजेपी गठबंधन कर लेती लेकिन जनहित में जो बड़ी बातें और बड़े मुद्दे थे जननायक जनता पार्टी के, वो कांग्रेस में अकेले भूपेंद्र हुड्डा ऐसे थे जो नहीं माने। 31 विधायकों में से केवल और केवल हुड्डा को परेशानी थी इस बात से। देखिए ज्योति, केवल टाइम पास किया जा रहा है इस प्रकार के कमेंट्स करके। यदि ये कहते हैं कि केवल एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को परेशानी थी, बाकी 31 विधायक जेजेपी के साथ अलायंस करना चाहते थे, तो मुझे नहीं लगता उन 31 विधायकों में से कोई भी विधायक ऐसा आया पब्लिक में आकर के जिसने कहा है कि हम जेजेपी के साथ में कोई अलायंस किसी प्रकार का करना चाहते थे। पहले जब सीएलपी लीडर, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे उस समय पर, हालांकि वो पिछली उसके अंदर था टर्म के अंदर, नेक्स्ट टर्म में उन्होंने इलेक्ट नहीं हुए थे, बट क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं था सीएलपी का तो उन्हीं के पास में कमांड थी, तो सीएलपी लीडर के रूप में क्लियर तौर पर उस समय पर बयान आए थे कि यदि जेजेपी चाहे तो कांग्रेस उनको जो है अपना समर्थन दे सकती है। और इस, लेकिन उस समय के मुझे ध्यान है, मैं यदि आप कहेंगे तो मैं उन बयानों को ढूंढने का प्रयास भी करूंगा, उस समय की मुझे बड़े क्लियर तौर पर ध्यान है कि दुष्यंत जी के द्वारा भी एक बयान आया था, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमारी जो विचारधारा है कांग्रेस की विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है, गैर कांग्रेसी विचारधारा है, तो कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस की कोई पॉसिबिलिटी किसी प्रकार की नहीं है, तो इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को अपने नेचुरल चॉइस मानते हुए हमको दिया है हमने इनको। और दुष्यंत चौटाला जी का उस समय भी ये भी बयान आए थे कि हमारे तो बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं बीजेपी के साथ में, साथ में मिलकर के, तो स्वाभाविक गठबंधन, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो ये आज के दिन में चुनाव के दौरान अपने खिलाफ जो इनके खिलाफ जो नेगेटिविटी आई है, नेगेटिविटी बिल्कुल क्लियर थी, वे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमुना पार भेजने का नारा लगा करके आप 10 सीटें जीतते हैं और भाजपा को ही समर्थन दे देते हैं जाकर के, वो नेगेटिविटी को बीट करने का एक तरीका मात्र है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये अपने खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी को कहीं ना कहीं डिल्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक बात इनके मुद्दों की, इनके मुद्दों से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, इनके मुद्दों से दिक्कत है तो केवल इनको है, क्योंकि इन्होंने अपना कोई भी वायदा पूरा किया नहीं है ढंग से। जिस वायदे के लिए कथित तौर पे इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाया था, एक कमेटी भी बनाई थी, जिस कमेटी की कभी मीटिंग होती हमने तो सुनी नहीं जी। ठीक है गहलोत जी, आप लोग बड़ी पार्टी है चूंकि सत्ता में, गठबंधन की हम बात करें, कैसा लगता है जब जेजेपी इन दिनों ही कह रही कि हम तो कांग्रेस के साथ जाने को भी तैयार थे लेकिन हुड्डा साहब नहीं माने 4 साल बाद? देखिए उनके मन में क्या था क्या नहीं था ये तो वही अच्छी तरह से जानते हैं, और उनके प्रवक्ता भी आपके चैनल पर बैठे हैं। मैं तो नहीं आप समझे नहीं शायद, या मैंने पूछने में कोई दिक्कत रही, मैं तो आपसे ही पूछ रही हूँ ना कि बीजेपी को कैसे लगता है, मैं ये थोड़ी पूछ रही हूँ बीजेपी को कैसे लगता है 4 साल जो आप लोग सत्ता में आप लोगों के साथ रहे, अब भी साथ के हैं, कल को इलेक्शन साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इस बात पर भी चर्चा है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम तो 2019 में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते लेकिन भूपेंद्र हुड्डा नहीं माने, तो क्या अपने फैसले पर रिव्यू कर रहे हैं वो? क्या अब 4 साल बाद जाकर उन्हें लगता है गलत किया कि बीजेपी के साथ आकर? नहीं देखिए, ये तो आप भी जानते हो कि उनके 31 MLA जीत के आए थे और 10 जेजेपी के थे, वो दोनों मिलते तभी सरकार नहीं बनती, सरकार तो बीजेपी की ही बननी थी, और उन्होंने हरियाणा के हित में जेजेपी ने ये अच्छा फैसला किया कि दोबारा से हरियाणा प्रदेश के ऊपर चुनाव का खर्चा ना पड़े, इन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। अब उनके हालात ये तो ये जानते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि हरियाणा के हित में और उन्होंने अपने लोगों के काम कराने के लिए जो वादे किए थे वो काम कराने के लिए वो बीजेपी के साथ आए, और बीच मैं तो ये कहता हूँ कि सारी पार्टी कहती है, लोक दल वाले भी कहते हैं कि हम तो बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस के साथ आने को तैयार हैं। बीजेपी को लोग क्यों हटाएंगे, कांग्रेस और लोक दल को लोग क्यों लाएंगे? मैं आपको बता देता हूँ, लोक दल के राज में किसानों पर गोली चली कंडेला में, और बूथ लूटने का काम, जनता की वोटों पर डाका डालने का काम अहम में हुआ, अहम कांड सारी दुनिया जानती है। तो किस तरह उसी परिवार से जुड़ी एक पार्टी है जेजेपी, आप लोगों की तो गठबंधन के साथ ही है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ,
और देखिए खर्ची पर्ची देकर किस तरह से नौकरी करते थे, उसका रिजल्ट क्या रहा? नहीं, कंडेला कांड या महम कांड की जब आप बात करते हैं बीजेपी प्रवक्ता के नाते, तो आपको ये भी याद होना चाहिए ना कि ओम प्रकाश चौटाला के पोते आपकी सरकार में डिप्टी सीएम गए। मैं सारी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। क्या क्लियर करना चाहते हैं गहलोत जी, कीजिए फिर जी। मैं अपनी बात पूरी करूं, फिर मैं आपके अगले प्रश्न का जवाब भी दूंगा। हाँ। और कांग्रेस की सरकार को क्यों लाना चाहेंगे हरियाणा प्रदेश की जनता? नहीं हुआ आंसर आपका, क्योंकि 500 रुपए तो बुजुर्गों को ये पेंशन देते थे, आज हम 2750 रुपए पेंशन दे रहे हैं। 4000 रुपए मात्र किसानों का मुआवजा इन्होंने फिक्स कर रखा था, और 5 रुपए 4 रुपए 3 रुपए के चेक देकर के किसानों को अपमानित करने का काम करते थे। सारी नौकरी खर्ची पर्ची पर सारी नौकरियां लगती थी, और किस तरह से किसानों की जमीन का इन्होंने नोटिस दे करके अपने नाम आदमियों के नाम एग्रीमेंट कराया, और फिर एग्रीमेंट उनका नोटिस वापस लेके किस तरह से किसानों के उस पर डाका डाला, किस तरह से HSIDC के प्लॉटों पर डाका डाला। आज 6-6 केसेस में वो जमानत पर है, सारे प्रदेश की जनता जानती है। उनको किस लिए सरकार में लाएंगे? आज ना तो खर्ची पर्ची है, सभी के घर बैठे काम हो रहे हैं, और जो ना तो जो BPL कार्ड बनते थे, पेंशन बनती थी, उनके जो बीच में बिचौलिया होते थे, मुआवजा भी उनको मिलता था जिनको कांग्रेस के नेता कहते थे। हमने तो पोर्टल भी बनाया और हमने ओपन गिरदावरी भी करने के आदेश दिए हैं। ठीक है, मैं आप लोगों ने सब कुछ किया मैं ये मान लूंगी, दर्शक भी मान लेंगे एक बार के लिए, लेकिन मेरी बात का जवाब तो दीजिए ना। आपकी पार्टी का पुराना स्वरूप, जनसंघ से लेकर लोकदल के अलग अलग स्वरूपों की बात करें, यहाँ तक कि इनेलो बनने के बाद भी आप लोग तो सत्ता में साझेदार रहे हैं, स्वाभाविक अलायंस जिसको कहा जाता है, आप लोग तो रहे हैं। अब उसी पार्टी से और चौटाला परिवार से ही एक और दूसरी पार्टी बनती है, वो भी आज भी आप लोगों के साथ सत्ता में है। देखिए, मैं इस बात का जवाब दूंगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। हम लोग जनता पार्टी जब हमारी बनी तो उसमें सारे पार्टी के लोग थे, उसमें लोकदल नहीं होता था, भारतीय क्रांति दल था चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, और जनसंघ थी और सोशलिस्ट पार्टी थी और पुरानी कांग्रेस थी, उन 5 पार्टी को मिला के जनता पार्टी बनी थी। तो उसमें चौधरी देवीलाल भी थे, सभी लोग थे उसमें। वो पार्टी फिर टूट गई 1980 में, और वो पार्टी टूटने के बाद जनसंघ का जो धड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आया। उसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी, कांग्रेस के खिलाफ संगठन में शामिल नहीं थी भैया। कांग्रेस ने पुरानी कांग्रेस जो मुरारजी भाई देसाई और निजलेंगप्पा के नेतृत्व में थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो पुरानी कांग्रेस थी, कांग्रेस तो खत्म हो गई थी जब वो जनता पार्टी में मिले, कांग्रेस ने कर दिया था। ठीक है, आप तो बहुत पुरानी बातें करने लगी, इसका तो बहुत सीधी सी लाइन में कोई उत्तर हो सकता था। नहीं, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। देखिए, हमारे है नहीं इसके पास, ये तो फिर चर्चा कब तक करेंगे, चर्चा लिमिटेड टाइम है हमारे पास। मैं ये कहता हूँ, आप जो बता रहे हैं उस सब की मुझे भी जानकारी, आप जो कह रहे हैं क्या था क्या नहीं था, आप उम्मीद कर सकते हैं इतने। मैं आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि हमारी पार्टी का कोई परिपूर्ण रिलायंस तो था नहीं जेजेपी से। हमारा तो सरकार में गठबंधन है, और सरकार में जो भागीदार है दुष्यंत चौटाला जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं है। हम तो सरकार में जो हमारे लोग हैं जेजेपी के, उन पे कोई आरोप नहीं है, ना उनकी कोई सजा हुई है, इसलिए हमने तो साफ पाक साफ जो लोग हैं उनकी सरकार बना रखी है। हाँ। और पाक साफ तरीके से ही हम हरियाणा प्रदेश का विकास कर रहे हैं। अजय गुलिया जी, अब रविंद्र ढोल साहब जो कह रहे हैं कि उस वक्त तो दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारा जो स्वाभाविक गठबंधन बनता है वो बीजेपी से बनता है, कहा गया था, आपको भी याद होगा। और अब ये कहना तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सुगबुगाहट है कि कल को अगर गठबंधन ना रहे बीजेपी के साथ तो जनता के बीच जो कहना है उसके लिए अभी से ग्राउंड तैयार कर लिया जाए? नहीं, देखिए, मैं देती जी जननायक जनता पार्टी की एक सोच है कि अब क्या समीकरण होंगे नहीं होंगे वो तो चुनाव के समय पता लगेगा, लेकिन जननायक जनता पार्टी जब भी चुनाव में जाएगी चुनाव में अपने कामों को लेकर जाएगी। वो तय हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे कि हम कितनी तत्परता हमने अपने कामों को जो वादे थे वो पूरे करने में दिखाई, कितने काम हम कर पाए कितने नहीं कर पाए, वो तय तो हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। लेकिन एक चीज तय है कि हम लोग अपने काम को लेकर के चुनाव में जाएंगे कि भाई हम लोगों ने अभी हुड्डा साहब के लोग पेंशन की बात करते हैं,
नहीं, काम को ही लेकर जाएंगे तो अब ये राग क्यों अलाप रहे हैं कि कांग्रेस के साथ कर लेते अगर हुड्डा साहब मान जाते तो? ये तो मैं शुरुआत से मैं सवाल लेकर चल रही हूँ। नहीं ज्योति जी, अब कांग्रेस की तरफ से आरोप आए हैं ना कि इन्होंने ये तो कहते थे जमुना पार और ये पार, तो ये तो जब आप लोगों ने गठबंधन किया उसी दिन से आ रहे हैं। नहीं तो ज्योति जी इसी बात का जवाब दिया है कि पार तो था। हाँ। लेकिन आप कहाँ थे पार में? आपने तो बिल्कुल सहयोग नहीं किया। आप तो ये हरियाणा प्रदेश के हितों की बात ही नहीं पूरी करना चाह रहे थे, नहीं पूरी करना चाह रहे थे। और ये उस दिन भी जब गठबंधन हुआ था तब भी ये बात कही थी कि हमारे तो मैनिफेस्टो है, हमारी चाबी तो जो इसको पूरा करेगा उसके साथ सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा कि तो ये बताइए कि 4 साल बाद कौन सी नींद टूटी है गुलिया जी? नहीं नहीं, ये तो पहले दिन से कह रहे हैं ज्योति जी। मैं तो कह रहा हूँ पहले दिन से बयान निकलवा के देखिए आप। हाँ, तो ये तो कांग्रेस तो पहले दिन से ही कह रही, नेहलो भी कह रही है कि क्या क्या आप लोग नहीं कहकर आए थे 10 सीटें जब मिले, अब 4 साल बाद अचानक ये कह दिया जाता है कि हम तो जी कांग्रेस के साथ भी तैयार थे लेकिन हुड्डा साहब नहीं माने। तो ये तो इलेक्शन के टाइम, जब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम अपने मुद्दे लेकर जाएंगे, तो अब तो कम से कम नहीं लगता कि मुद्दे लेकर जाएंगे? अब तो इस बात को भी मुद्दा बनाया जा रहा है कि हम तो बीजेपी क्या, हम तो कांग्रेस से भी कर लेते गठबंधन। अभी तो चुनाव में 1.5 साल का समय है, अभी तो चुनाव में 1.5 साल का समय है, अभी तो बहुत चीजें बदलेंगे। नहीं, लोकसभा चुनाव भी तो होना है सर, 1 साल तो चुनावी साल हो जाता है चुनाव से पहले, आप बेहतर जानते हैं। नहीं देखिए, वो तो एक सारी अलग चीजें हैं ज्योति जी, चुनाव से पहले चुनावी साल हो जाता है कि नहीं हो जाता, लेकिन सरकार तो 5 साल के लिए चुनी जाती है। अब वो लोकसभा का चुनाव है, अब ये दोनों दलों के नेता बैठ करके तय करेंगे कि लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाए, क्या सीटें होंगी, क्या समीकरण होंगे, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए वो तो अभी भविष्य के अगर मैं ज्योति जी उस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जरूर स्पष्ट कर देता हूँ कि अभी गठबंधन मजबूत है और आप ये मान करके चले लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी और हरियाणा प्रदेश का जिस प्रकार, ये तो तय, देखिए हमारा तो मानना है कि हमसे हरियाणा प्रदेश का जननायक जनता पार्टी से जो विकास में सहयोग हो सका, जिस प्रकार की हमारी जिम्मेवारियां थी, लोगों ने मुख्यमंत्री के पद तक दुष्यंत जी को बताया, हम लोगों ने करने का काम किया। अब सीट की कितनी आएंगी लोकसभा में, हमें क्या मिलेगा ये तो समय बताएगा, और उसको लेकर के भी जाएंगे कि आपने हमें मौका दिया था, हमने इस प्रकार से आप लोगों की सेवा की है, अब रिजल्ट देना तो हरियाणा प्रदेश के लोगों के हाथ में। रेणू साहब, आपने आज चर्चा की शुरुआत भी ताऊ देवीलाल को नमन करते हुए की, उनको याद करते हुए की, तो आपकी पार्टी को अभी चौटाला को ये तो जाहिर याद होगा कि उनकी जो राजनीति थी 1971 के बाद गैर कांग्रेस की राजनीति थी, तो अब आप लोग या तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कि हम गठबंधन कर लेंगे तो सत्ता में आ जाएंगे या ऐसी स्थिति में होंगे, या फिर सत्ता में आने के लिए आप लोगों को सिद्धांतों से कोई खास लेना देना नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि राजनीति तो ताऊ देवीलाल के नाम पर उनके आदर्शों और सिद्धांतों की कर रहे हैं आप लोग भी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूर्ण रूप से ताऊ देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करती है, उनके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर काम करने का काम करती है, करती रहेगी। ज्योति जी, बार बार फिर मैं कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विजन है और बिल्कुल स्पष्ट विजन है, मछली की आंख वाला विजन है। हम चाहते हैं कि 2024 में इस सरकार को हरियाणा प्रदेश से चलता करके हरियाणा प्रदेश की जनता को इनसे मुक्त करवाया जाए। इसमें यदि जनता हमारे को आशीर्वाद देती है, ठीक है सर। और लेकिन मैं आपको बीच में टोकते हुए कि एक सवाल आपसे और पूछ लूं, आप लोग तो बीजेपी के साथ ही गठबंधन करते आए हैं जब जब मौका मिला, हालांकि उस वक्त आप लोग बड़ी पार्टी होते थे, लेकिन जिन बाय इलेक्शन के वक्त करण चौटाला का बयान आपको याद होगा, ओम प्रकाश चौटाला की चिट्ठी का जिक्र वो कर रहे थे कि हरा और भगवा एक कर दिया जाए, तो अब ऐसा क्या बदल गया बीजेपी में, अब ऐसा क्या बदल गया कि बीजेपी को रोकने के लिए आप लोग कांग्रेस के साथ जाने को भी तैयार हैं, बताएं। हमें ये नहीं पता था कि बीजेपी पार्टी यदि सत्ता में आएगी और अकेले को इनको बहुमत मिलेगा तो ये ऐसी नहीं बाय इलेक्शन सर, आप भूल गए हैं जिन बाय इलेक्शन कब था, आप भूल गए हैं शायद, जिन बाय इलेक्शन तो पिछले कार्यकाल में बीजेपी बहुमत में थी तब था, तो बीजेपी को बहुमत में आप लोग देख चुके थे। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बताइए। नहीं नहीं, हमने जो है ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नीतियां लागू की हरियाणा प्रदेश में, जिस प्रकार से हर वर्ग के ऊपर डंडे बरसाने का काम किया, अभी गहलावत जी कह रहे थे कंडेला कांड की याद कर रहे थे, ये कंडेला कांड में एक भी ट्रेजडी नहीं हुई गहलावत साहब, हवाई फायरिंग किए गए थे,
किसी भी व्यक्ति को कोई छर्रा तक नहीं लगा था, लेकिन रोहतक में आपने सीधी छाती में गोलियां मार करके 32 आदमियों को मरवाने का काम किया था। पंचकुला में आपने छाती में गोली मार करके पुलिस के द्वारा 42 आदमियों को मरने का काम किया था। 1966 से लेकर के आज तक के इतिहास में यदि देखा जाए तो पुलिस की गोलियों से और लाठियों से सबसे ज्यादा आदमी किसी सरकार में मरे हैं तो वो आपकी सरकार मरे हैं, और ज्यादा नहीं, कई गुना मरे हैं। इसलिए हमें नहीं पता था इस प्रकार जनता को गोलियों से भुना जाएगा इनके द्वारा। हमें नहीं पता था कि किस प्रकार से पढ़े लिखे प्रचार बना करके दोनों बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो 2016 और 17 की हैं। आपने जिन दो घटनाओं का जिक्र किया वो 2016 और 17 की हैं। इसके बाद था जिन बाय इलेक्शन के बयान का। अगर आप उत्तर दें इसको बिना टाले इधर उधर घुमाए तो बताएं, तो तब तो हरा और भगवा आप लोगों को एक करना था। अब ऐसा क्या बदल गया कि आप लोगों को लगता है कि बीजेपी को रोकने के लिए हम तो कांग्रेस के साथ भी चले जाएंगे? जीन बाय इलेक्शन की मैं बात कर रही हूं। जीन बाय इलेक्शन में हरा और भगवा एक बताइए। बिल्कुल उमेश सिंह हमारे कैंडिडेट होते थे और यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला जी कैंडिडेट थे और इनके कृष्ण मिड्डा जी कैंडिडेट होते थे। हाँ। और हरा और भगवा करने की कोई बात नहीं हुई। हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था और इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, और ये बात अलग है कि ये जीत गए हम हार गए, बिल्कुल अलग इलेक्शन लड़ा था। ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम इनके साथ मिलकर के चल रहे हैं। अभय सिंह ने यहाँ डेरा डाला हुआ था और बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने का काम किया था। हमने कोई ऊपर नीचे का इनका समर्थन करने का काम नहीं किया। ठीक है, चुनाव से पहले इस तरह के बयान आते रहे, इसमें कोई दोराय है? लोकसभा में भी हमने बिल्कुल अकेले लड़ा आप लोगों ने, लेकिन बयान तो इस तरह के थे ना। बिल्कुल मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बयान तो देते रहे आप लोग, आपके नेता बयान देते रहे गठबंधन को लेकर। ठीक है, राजेंद्र जाधवन जी, अब जो गठबंधन को लेकर बातें हैं उसमें बीजेपी का पक्ष अगर हम देखें तो ओपी धनखड़ अपने कार्यकर्ताओं को कह चुके हैं कि सभी 10 सीटें लोकसभा में एक बार फिर से जीतने की तैयारी कर रहे हैं, यानी क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही है बीजेपी अपने स्तर पर कहीं ना कहीं। तो इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं, क्या ये इशारा है कि मिलकर तो नहीं लड़ेंगे? इसका मतलब तो यही है, भारतीय जनता पार्टी का तो ट्रेंड रहा है कि वो तो अभी भी गठबंधन में रहते हुए और चुनाव की उन्होंने समीक्षा की, पंचायत चुनाव हुए तो मिलके लड़ना है कि नहीं लड़ना, निकाय चुनाव हुआ है तो मिलके लड़ना है कि नहीं लड़ना, हर बार समीक्षा की उन्होंने, जिलों से रिपोर्ट मंगवाई, इसके बाद जेजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा उन्होंने। जो भी सीटों का बंटवारा किया वो उसके बाद जिलों से रिपोर्ट लेने के बाद अपनी जिला इकाइयों को छोड़ दिया कि कहा आपको मिलके लड़ना है, कहा आपको अकेले लड़ना है, आप फैसला करें। तो ये पूरे कार्यकाल में ही भारतीय जनता पार्टी इनको बताती रही है हमारी एक अकेले चलने की ही इच्छा है और हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, वो देखिए संगठन की। ठीक है, अभी रेडू साहब कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मेरा प्रयास तो ही रहता है कि तथ्यात्मक बातें हो पैनल पर, तो मैं ये बयान अगर सुनाया जा सके तो मैं इसको सुनाने का प्रयास भी करूंगी। झज्जर में दिया गया बयान है, राज्य कार्यकारिणी की बैठक में ध्वनि मत से प्रस्ताव पास कराया जाता है। कर्ण चौटाला ये कहते हैं कि हरा और भगवा एक हो जाए। हरा और भगवा एक हो जाए, नहीं ये अगर ये डिनाई कर रहे थे इस बात को तो मैंने ये सुनाना जरूरी समझा कि अगर यहाँ डिबेट में कोई बात होती है तो फैक्चुअली ठीक हो, इसका हम प्रयास पूरा करते हैं। बात पूरी कीजिए जाधवन जी। हाँ, तो ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी का ये रुख रहता है तो जननायक जनता पार्टी को भी अपनी एडवांस तैयारी करके चलना पड़ेगी। अब वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार थे, इससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारे आपके बीच में विचारधारा का तो कोई झगड़ा ही नहीं है, मुद्दों का झगड़ा था। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने तो इनकार किया है कि मेरी तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे थे 2019 में तो भूपेंद्र हुड्डा ने बहुत बयान दिए, उन्होंने बार बार ये कहा कि ये तो अनैतिक है, ये राजनीतिक नैतिकता का अभाव है, इसमें एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़के साथ जा रहे हैं, ऐसी तमाम दलीलें उन्होंने दी थी और एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उनकी इच्छा थी कि ये कांग्रेस के साथ आए, लेकिन ये कांग्रेस के साथ नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। और भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड तो आपको पता है कि वो ताकत अपनी परखते रहते हैं, अपनी जड़ें देखते रहते हैं लगातार, जो पौधा लगाया गया है उसकी जड़ें देखते रहते हैं कि उसकी जड़ें कहाँ तक पहुंची है। हाँ। तो वो उसके आधार पर जब वो देखेंगे कि हमारी जरूरत है तो गठबंधन करेंगे। 10 सीटें जीतने की बात वो कर ही रहे हैं, इसका मतलब लोकसभा चुनाव में तो वो गठबंधन नहीं करेंगे, ये तो उन्होंने क्लियर ही कर दिया। इससे तो यही हो सकता है, लेकिन अब ये राजनीति है, मौसम के अनुसार बदलती रहती है, बिल्कुल सब पता नहीं। यहाँ तो बड़ी घोर गर्मी के दौर में भी ओलावृष्टि हो जाती है, तो
ऐसे ही राजनीति में भी हो जाता है जी, संभावनाओं का क्या हो, क्या हो जाए जो आपने सोचा नहीं वो हो जाए। लाचारी और सत्ता हासिल करने का जो प्रयास है उसमें कोई भी पार्टी कुछ भी कर सकती है। अब कुल नीति नैतिकता सिद्धांत और विचारधारा की बात रहेगी, कुछ बचा नहीं है। इसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है, जनता के मुद्दों का मतलब ये है कि हमारा मतदाता वर्ग संतुष्ट हो जाए, कोई जनता के मुद्दे हैं उन पर काम हो जाए, ऐसा गठबंधन बन जाए जहाँ मिलके जनता से किए गए वादे पूरे कर सके, तो इसकी तलाश में है। दिग्विजय चौटाला ने जो मगर बयान दिया है इस तरह का, और ये पुरानी बात अगर दोबारा लेकर आए हैं वो, तो उसका एक मतलब है। तो इस तरह का अनावश्यक बयान देने की तो जरूरत ही क्यों होती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि दिग्विजय फ्लो में कुछ भी बोल गए हों। कोई भी नेता अगर इस तरह का बयान देता है, जाहिर है वो पूरी प्लानिंग और रणनीति के साथ कि इसका क्या संदेश कहां तक जाएगा, ये बात कहां तक जाएगी। और ओपी धनखड़ के बयान की बात कर रही हूँ, पिछले दिनों कई बार ये डिबेट में बात आती है, उनकी ओर से कहा गया कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जेजेपी अपनी तैयारी कर रही है, वो प्रयास ये कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम के आगे से डिप्टी हटा दिया जाए, यानी दुष्यंत को सीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, गहलोत जी मिलकर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल भविष्य के गर्भ में है, अभी इंतजार करना ही होगा। लेकिन उचाना सीट को लेकर वीरेंद्र परिवार ये कहता है कि मिलकर भी अगर लड़ा और उचाना विधानसभा सीट जेजेपी के कोटे में चली गई, खाते में चली गई, तो भी हमारे परिवार से तो कोई ना कोई जरूर लड़ेगा। बीजेपी तो अनुशासन के लिए जानी जाती है। दूसरा, मैं हिसार का भी जिक्र कर लूं, पिछली बार जो तीन उम्मीदवार आमने सामने थे, दुष्यंत चौटाला गठबंधन के तहत आप लोगों के साथ थे, बृजेंद्र सिंह आपकी पार्टी में जाहिर है ही, कुलदीप बिश्नोई परिवार भी आप लोगों के साथ आ गया है, तो हिसार और उचाना को देखकर लगता है कि ये दोनों ही हॉट सीट हो सकती हैं आने वाले वक्त में, अगर आप लोग साथ रहे तो यहाँ मुश्किल भी हो सकती है। देखिए, मैं तो ज्योति जी ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रुख है कि भारतीय जनता पार्टी किसी के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आती, वो मेरिट के हिसाब से अपना फैसला करती है, संगठन अपना फैसला करता है, और हमारी जो पार्टी है वो 10 की 10 सीटों पर पूरी तरह से चुनाव लड़ने को तैयार है। अभी हमारा जो गठबंधन है वो मजबूती से काम कर रहा है, जो भी स्थिति होगी चुनाव लड़ने की, चुनाव के समय में, वो भविष्य की बात है, ठीक है, लेकिन हमने अपनी पूरी तैयारी चुनाव की हुई है, हम किसी के दबाव अच्छा में नहीं सर, आप एक बात ये भी क्लियर कर दें कि जब आप ये कहते हैं कि हम दबाव में नहीं आते हैं, तो क्या ये वीरेंद्र सिंह परिवार के लिए कह रहे हैं, क्योंकि बयान तो उन्हीं का है कि भले ही साथ में लड़ लें जेजेपी के, लेकिन हम तो उचाना से चुनाव जरूर लड़ेंगे। देखिए, वो हमारे सीनियर नेता हैं, उनके दिमाग में क्या है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी पार्टी का जो डिसिप्लिन तोड़ेगा वो कितना ही बड़ा नेता हो, अच्छा, हमारी पार्टी उसको ऐसा करने की इजाजत कभी नहीं देगी, ना पीछे दिया है ना आगे देगी। हमारा जो पार्टी का फैसला होगा वो मान्य होगा सबको, अगर किसी को पार्टी में नहीं रहना होगा तो वो अलग बात है। हमारी पार्टी अच्छा। का एक सिद्धांत है, और बिल्कुल किसी भी तरह की इस बात पे कोई समझौता नहीं होता। अब कौन जाएगा कौन रहेगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं, हम तो शुभकामना देते हैं कि सभी लोग मिलकर के चुनाव लड़े, और जो पिछले साल 60 साल से कांग्रेस पार्टी देश को लूटती रही है उसको दोबारा से सत्ता में ना आए, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। मुझे याद है, मैं रेडू साहब की बात सुन रहा था, जिस दिन माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा हुई थी, मैं टोटल टीवी पे डिबेट में था, भारतीय जनता इसके लोकदल के सारे प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारा तो नाम नहीं था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी सजा करा दी, हमारा ये करा दिया। आज पता नहीं किन वजह से सिर्फ सत्ता की मलाई मुंह से निकल गई, इसलिए गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिनकी कोई नीति और नियत कभी थी नहीं जनता पार्टी के जो और लोग इसी बात में दिग्विजय भी शामिल है, फिर जेजेपी भी शामिल है, ये लोग भी तो तैयार थे। नहीं, मैं ये कहता हूँ दिग्विजय हमारे बकुल दिग्विजय चौटाला इन्हीं के बयानों ये लोग भी तैयार थे भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के साथ जाने के लिए, अगर इनकी ही मान ले तो आज ये लोग भी तैयार थे। नहीं, उनके साथ जाने 31 आदमी जो कांग्रेस के जीत के आए थे वही हुड्डा के साथ नहीं थे, वो ये जाके क्या करते वहाँ पर? अच्छा, 31 में से कितने लोग आप आज भी जानते हो, जब इनके प्रोग्राम होते हैं हुड्डा के में कितने लोग जाते हैं और कितने लोग उनकी मीटिंगों में शामिल नहीं होते? चलिए चर्चा को आगे ले जाते हैं, अधिकतर लोग तो कांग्रेस में, विधायकों की बात करते हैं तो हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा के साथ के, उसमें भी ये मान लीजिए कि उनके करीबियों को ही टिकट मिला था, उसमें ये मान लीजिए कि अधिकतर उन्हीं के इलाके उनके क्षेत्र में से जीत कर आए थे, कारण कुछ भी हो सकता है। 31 तो नहीं जाते, नहीं 31 तो बचे भी नहीं है सर, 30 ही है अभी, 30 भी नहीं, 29 बचे हैं, राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें 29 ही मिले थे,
ये कहीं गुम हो गया था। चलिए ठीक है, और चुनाव तक ये 29 भी नहीं रहे। रविंद्र ढुल जी, अभी ठीक है हमने जेजेपी को लेकर बात की, लेकिन इनेलो जो प्रस्ताव आप लोगों को दे रही है, जो ऑफर दिया जा रहा है कि हमारे दरवाजे पर आइए हम गठबंधन कर लेंगे, लेकिन शर्तों के साथ, स्वार्थ की बात नहीं करनी, हरियाणा हित की बात करनी है। देखिए, किसी प्रकार के प्री पोल अलायंस की कोई भी संभावना नहीं है। कांग्रेस पहले से इस चीज को क्लियर कर चुकी है आज के दिन में भी, और कांग्रेस के पास में इतनी सीटें हैं, इतना वोट बैंक होने के बाद में इस प्रकार की चीज की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जरूरत इस बारे में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी और दीपेंद्र जी भी, प्रदेश अध्यक्ष भी, सभी इसके इस बारे में बयान दे चुके जी। गुलिया जी, उचाना सीट की बात कर लेंगे, चूंकि 2014 में दुष्यंत प्रेमलता से हारे, 2019 में प्रेमलता को हराया, अब प्रेमलता से लेकर ब्रिजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। एक तो विधायक के नाते उचाना के लिए काम कितना कर पाएंगे, और दूसरा भले ही साथ में रहें, गठबंधन में रहें, लेकिन हम तो चुनाव लड़ेंगे, उचाना हमारी सीट है, क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, ये तो पूरा वीरेंद्र सिंह जी की तरफ से स्पष्ट हो चुका है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है दुष्यंत जी को गठबंधन में देख करके। तो ये तो तय है, लेकिन उनकी चलती कितनी है, उनकी पार्टी में क्या हैसियत है, पता भी लग गया। जब वो चाहते नहीं और फिर भी गठबंधन है और गठबंधन चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम आशा करते हैं कि गठबंधन चलता रहे, और मुख्यमंत्री जी ने कहा गठबंधन चलेगा भी, तो उनकी पार्टी में उनकी क्या हैसियत है, ये मेरे कहने के उनकी पार्टी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया। अब उनकी कोई खीज है, टीस है, वो निकालते रहे। देखिए, वो बुजुर्ग है, उनके ऊपर कोई अमर नहीं, उनके बेटे, उनके बेटे तो बुजुर्ग नहीं है, वो भी कह रहे हैं, उनकी धर्म पत्नी भी कह रहे हैं, उनका तो पूरा परिवार ही ये कह रहे हैं। नहीं, फिर उनके पहली बात तो दिग्विजय चौटाला की तो समझ और शिक्षा को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर भी सवाल उठा दिए प्रेमलता ने, कि वो तो प्लस टू पास के, बातें वो इतनी बड़ी करते हैं, अपने पिता के उम्र के जो नेता हैं उनको लेकर नसीहत देते हैं, क्या कहेंगे बताइए? नहीं देखिए ज्योति जी, इस चीज में तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वो प्लस टू है, वो क्या है, वो एक अलग विषय है। तो जो मैं तो एक चीज मानता हूँ, इसका मतलब तो ये सॉरी वीरेंद्र सिंह का परिवार और ये प्रेमलता जी, उन हमारे उन बुजुर्गों का अपमान कर रही है जो कभी स्कूल नहीं गए थे, शिक्षित नहीं थे। क्या उन्होंने परिवार को संभाल करके नहीं रखा? क्या उन्होंने हरियाणा प्रदेश की प्रगति और उन्नति के लिए काम नहीं किया? देखिए, शिक्षित होना और ना होना एक अलग चीज है, लेकिन मर्यादा तो सबकी होनी चाहिए। अब उनको उनकी अपनी हैसियत पता लगी, उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल खुश नहीं है, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने उनको आईना दिखा दिया। अगर वो इतने बड़े कद के नेता होते और उनके ना चाहने से गठबंधन टूट जाता तो सबके सामने हो जाता कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का कितना बड़ा कद है, लेकिन उनकी पार्टी ने उनकी औकात, लेकिन उचाना उनकी औकात और हैसियत की आप बात कर रहे हैं, उचाना में तो मजबूत रहा कि परिवार, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये तो लोग तय करेंगे, आने वाले लोग तय करेंगे, ठीक है। नहीं, लोग तो ये इस बात को अगर मैं डिप्टी सीएम का हल्का के तो इस इन बातों को हल्के में भी नहीं ले सकते हम, है ना? नहीं, ये तो 2014 में दुष्यंत सिंह चौटाला जी चुनाव आ रहे थे, बिल्कुल, क्यों मैं इस बात को अगर मना करूंगा तो ये बात गलत थोड़ी हो जाएगी, तो स्पष्ट है। लेकिन दुष्यंत जी चुनाव क्लोज फाइट में 6,000-6,500 वोटों चुनाव आ रहे थे, 19 में जब चुनाव हुआ था तो 47,000 वोटों से चुनाव जीत। ठीक है, आखिरी कमेंट रेडू साहब आपसे रहेगा, बोले। हाँ देखिए, जो ये कह रही है कि गठबंधन, अरविंदर जी ने कहा, हमने भी यही कहा, हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे और हमारा प्रयास यही होगा कि हम जनता का आशीर्वाद पूर्ण बहुमत के लिए प्राप्त करें, और यदि किसी प्रकार की कोई कमी पेशी की अभय सिंह चौटाला ने कही है, अगर ये नहीं मानते तो ये अपना प्रयास कर रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, सभी पार्टी अपना प्रयास कर रही है। लेकिन ये मैं बता दूं कि जिस प्रकार से आज इस मौजूदा सरकार से जनता परेशान आ चुकी है, हो चुकी है, तंग हो चुके हैं, तो जनता ने विकल्प देखना शुरू कर दिया, और विकल्प के तौर पर जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला की जो इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी है, इसकी तरफ कहीं ना कहीं लोगों का रुझान बनना शुरू हो चुका है, और 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाने जा रही है। बेशक देखिए ज्योति जी, आप इस बात को समझिए, और ये मेरे सारे साथी भी समझते हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता भी समझते हैं इस बात को, कि अगर पार्टी में हमारी में फूट नहीं होती तो 2019 में स्पष्ट बहुमत से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनी थी। ये समय था, परिस्थितियां ऐसी होगी कि पार्टी आपकी पार्टी इसमें तो कोई दोराई नहीं, उस वक्त इनेलो मजबूत थे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा हमने की। तो क्या कोई नया गठबंधन होगा, क्या ये गठबंधन टूटेगा, क्या ये गठबंधन बना रहेगा, इस तरह की बयानबाजी और अटकलों का दौर लगातार जारी है, और इसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।